आज मैं मुरमुरा भेलपूरी बनाऊंगी और इसको आप बहुत आसानी से घर पर बना पाएंगे और बाजार जैसा इसका टेस्ट लगता है। नमस्कार, भूमित किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसमें हम मूँगफली डालेंगे एक बड़ा चम्मच, मतलब 20 से 25 दाना है इसमें। इसको एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ चना, करी पत्ता थोड़ा सा, हरी मिर्च 2 से 3 कटी हुई। इन सभी को थोड़ा सा एक मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अभी इसमें मैं हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। इसके बाद जो हमारा मुरमुरा था इसको हम डालेंगे 2 कप। अभी इसको भी 1 मिनट तक भूनेंगे, मतलब इसका जो जितना भी मसाला रहेगा मुरमुरे में आ जाएगा। अभी हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे इसको। इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर 1/2 कप, प्याज कटी हुई, स्प्राउट 1/2 कप, इमली का चटनी 2 टेबलस्पून। इमली के चटनी के जगह पर आप टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास हरी चटनी है तो हरी चटनी डाल लीजिए। और यहाँ पर 2 से 3 पापड़ी को इस तरह से तोड़ के लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ सेव। आप चाहे तो मार्केट से जो मिक्सर मिलता है नमकीन, वो भी डाल सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको बनाने के बाद तुरंत इसका सर्व करें। अगर थोड़ी देर रख देंगे आप तो इसका क्रिस्पीनेस जो है चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा टेस्ट आता है, मार्केट जैसा, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें। थैंक यू।